everyone, welcome to Toddle Bee. In this channel, I will be posting videos related to toddler activity ideas, DIY project for kids, easy drawing tutorials for beginners and kids, and many more such videos. If you like my video, please subscribe to my channel. So let's get started with today's video. Today we are going to learn how to make easy Ganesha. For this, you will need a plain paper and a pen or pencil. So let's get started. So first of all, you will need to make a square. But आपको वो square पूरा नहीं बनाना है. उसके बस three sides आपको बनाने हैं. अभी मैंने दो side बनाए हैं. और अभी मैं इसको three sides से square को complete कर लूँगी. So ये Ganesha का face बना है. इसके बाद हम गणेशा का क्राउन बनाएंगे. क्राउन बनाने के लिए आपको एक रेक्टेंगल बनाना है इस तरह से. इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बनाएंगे बट उससे थोड़ा सा छोटा. आपको बस ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली बराबर रहना चाहिए. इसी तरह से एक और स्क्वायर बनाएंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बनाएंगे. और सबसे ऊपर हम इसको एक सर्कल बना के इस तरह से कंप्लीट करेंगे. अब ये गणेशा का क्राउन रेडी है. अब हम बनाएंगे गणेशा की ट्रंक. ट्रंक बनाना बहुत आसान है. आपको इस पॉइंट से शुरू करते हुए एक एस शेप बनानी है इस तरह से. ट्रंक का दूसरा पार्ट बनाने के लिए आप इस पॉइंट से एक सीधी लाइन लगाएंगे और जहाँ से एस कर्व हो रहा है ऊपर वाली लाइन के साथ एक बराबर से एक कर्व करेंगे. और ट्रंक के एंड पे आप एक वी शेप बनाएंगे कुछ इस तरह से. अब हम गणेशा की आईज़ बनाएंगे. आईज़ बनाने के लिए आपको इस तरह का एक छोटी सी कर्व्ड लाइन लगानी है, सॉरी दो लाइंस लगानी है. और उसके नीचे ये आईब्रोज हैं. अब उससे नीचे आईज़ के लिए आपको सेम तरह की दो और लाइंस लगानी है और उसके नीचे दो छोटे छोटे से सेमी सर्कल्स बनाने हैं. और आईज़ को डिफाइन करने के लिए दो छोटी छोटी और लाइंस मैंने लगाई हैं. इसी तरह से एक ट्रंक को डिफाइन करने के लिए एक लाइन लगा दी है. अब गणेशा का फेस रेडी है. हम गणेशा की लेग्स बना रहे हैं. गणेशा अभी सिटिंग पोजिशन पर है तो आप लेग्स को एक ओवल शेप में बनाएंगे. बस आपको ध्यान रखना है कि वो ट्रंक के साथ टच करना चाहिए इस तरह से. दूसरी लेग बनाने के लिए भी हम एक और ओवल बनाएंगे और वो भी ट्रंक को टच करना चाहिए कुछ इस तरह से. और यहाँ पे हम गणेशा का एक छोटा सा सिंपल सा पाँव बनाएंगे. दूसरा पाँव दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज वो सिटिंग पोजीशन पे है. चलिए अब गणेशा के हैंड्स ड्रॉ करते हैं. हैंड्स भी बहुत इजी है. ये वाले हैंड बनाने के लिए आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और इस तरह से बहुत ही सिंपल सी फिंगर्स ड्रॉ कर लेनी है. लास्ट में हम थंब बनाएंगे. इस हाथ में गणेशा ने लड्डू पकड़ा है सो लड्डू भी एक सिंपल सा छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे. ये वाला हाथ हम आशीर्वाद की तरह बनाएंगे. इसके लिए आपको एक छोटा सा ओवल बनाना है लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करना और साथ में अलग से एक थंब बना देना है. फिंगर्स डिफाइन करने के लिए बस आप एक तीन लाइंस यहाँ पे लगा देंगे. बस अब हमें गणेशा की बॉडी बनाने के लिए थोड़ा सा उसको डिफाइन करना है. इस तरह से हम गणेशा का शोल्डर बनाएंगे और एक लाइन लगा देंगे. दूसरी तरफ भी आप बिल्कुल सेम इस तरह से शोल्डर बना के लाइन ड्रॉ कर देंगे. अब आप अगर चाहें तो गणेशा को थोड़ा सजाने के लिए माला आप ड्रॉ कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे से सर्कल्स ड्रॉ करने हैं. अब हम गणेशा के टीथ ड्रॉ करेंगे, वो भी बहुत आसान है कुछ इस तरह से. अब पोशाक में हम थोड़ा सा डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से. दो लाइन से हम बॉर्डर शो करेंगे और उसके ऊपर छोटे छोटे से सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे.
बस आपको ध्यान रखना है कि पहली लाइन के सर्कल्स दूसरी लाइन का जब बनाएंगे तो पहली लाइन के सर्कल्स के बीच में बनाएंगे। कुछ इस तरह से। अब हमारा गणेशा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे और आपको ये बहुत आसान लगे होंगे और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। बनने के बाद गणेशा कुछ इस तरह से दिखेंगे। अगर आप उन्हें कलर करना चाहते हैं तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक कलर पिक्चर लगाई है। अगर आप इस पिक्चर को बाद में रेफ़र करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम।